हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हमें सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल रोड, उसी रोड के एक्सिस के किसी पॉइंट पे, और फिर उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, और फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल रोड, उसी की एक्सिस के किसी पॉइंट पे। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक क्या आज का हमारा, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल रोड ऑन इट्स एक्सिस। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, और इस x एक्सिस पे एक यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल रोड रखी हुई है, यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल रोड, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है l, ठीक है, और लीनियर मास डेंसिटी वो लैम्बडा है। लैम्बडा क्या है? लीनियर मास डेंसिटी। मतलब इस यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल रोड का मास m वो क्या जाएगा, लैम्बडा इंटू एल। सही बात है। तो देखो, मान लो इस यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल रोड की एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है a, ठीक है, और इस एंड से कितनी दूर है, डी डिस्टेंस दूर, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल रोड। तो अब देखो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं मैं, मुझे क्या करना होगा, एक छोटा सा एलिमेंट मानना होगा एक्स डिस्टेंस दूर, dx लंबाई का एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया। इस छोटे से एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm वो क्या जाएगा, लैम्बडा इनटू में dx। सही बात है, ठीक है। तो अब देखो, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस a पॉइंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड dga वो क्या आएगी, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जी डीएम डिवाइडेड बाय एल प्लस डी माइनस एक्स। तो ये कितनी आ गई, एल प्लस डी माइनस एक्स, मतलब एल प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस ए पॉइंट पे ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड ही आएगा, और वेक्टर फॉर्म में चाहिए इस छोटे से एलिमेंट की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट, तो ऐसे आएगी, तो मतलब माइनस आई कैप, ठीक है। डीएम की वैल्यू पुट कर दो, लैम्बडा डी एक्स, यहां पर माइनस जी लैम्बडा डी एक्स डिवाइडेड बाय एल प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर आई कैप, ठीक है। तो अब देखो, मुझे तो क्या चाहिए, इस कंप्लीट यूनिफॉर्म रोड की वजह से ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, मतलब जी ए फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी जी ए, जी ए के बराबर आ जाएगा जो कि फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू माइनस जी लैम्बडा इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय एल प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर और आई कैप। अब देखो, एक्स की लिमिट कहां से कहां तक वेरी होगी, जीरो से लेके एल तक,
ठीक है। तो देखो जी ए कितना आ गया, माइनस जी लैम्बडा, इंटीग्रेट कर दो बस, तो एल प्लस डी माइनस एक्स की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एल प्लस डी माइनस एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन, और ये माइनस साइन नीचे आ जाएगा माइनस वन, एक्स का कोफिशेंट कितना माइनस वन इंटू में माइनस वन, तो ये कितना आ गया एल प्लस डी माइनस एक्स की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन, माइनस वन हो गया, माइनस वन इंटू में माइनस वन प्लस वन, तो ये कितना आ गया वन अपॉन में एल प्लस डी माइनस एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका, वन अपॉन में एल प्लस डी माइनस एक्स ये आ जाएगा, और आई कैप साथ में लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट एल, ठीक है। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस जी लैम्बडा और यहां पे आई कैप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करो, एक्स की जगह जब एल करोगे तो एल माइनस एल क्या हो जाएगा जीरो, तो वन अपॉन में डी माइनस लोअर लिमिट वन बाय में एक्स की जगह जीरो पुट करना है, तो वन बाय में एल प्लस डी, ठीक है। तो जी ए कितना आ गया देखो, माइनस जी लैम्बडा इंटू में एल प्लस डी माइनस डी, ये कितना हो गया एल डिवाइडेड बाय डी इंटू में एल प्लस डी और आई कैप, ये आ गया, ये हो गया मेरा फॉर्मूला। यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल रोड की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस ए पॉइंट ऐसे आएगी, और कितनी जी लैम्बडा एल अपॉन में डी इंटू में एल प्लस डी ऐसे आने भी चाहिए, और देखो यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो स्पेशल केस, मान लो इस रोड की लंबाई एल डी से काफी ज्यादा हो, एल इज मच 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 ग्रेटर देन डी, फॉर एग्जांपल जैसे एल तो कितना हो लेंथ ऑफ दिस रोड 100 मीटर, और ये डी ये जैसे 10 सेंटीमीटर हो, तो देख सकते हो 100 मीटर इज मच 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 ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। तो अब स्पेशल केस क्या है, जब इस रोड की लंबाई एल इज मच मच ग्रेटर देन डी, ठीक है, तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आ जाएगी, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, माइनस जी लैम्बडा एल डिवाइडेड बाय डी और यहां पे एल प्लस डी, देखो एल इज मच मच ग्रेटर देन डी, तो एल प्लस डी नियरली कितना हो जाएगा एल ही हो जाएगा, और एल से एल कैंसल, तो ये कितना आ गया माइनस जी लैम्बडा बाय में डी आई कैप, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है, जब इस रोड की लंबाई एल इस डी से काफी ज्यादा हो, मच मच ग्रेटर देन हो डी, जैसे एल 100 मीटर हो डी 10 सेंटीमीटर, ये केवल एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए है, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आएगी, ऐसे जी लैम्बडा बाय डी, और ऐसे आनी चाहिए, तभी तो यूनिट वेक्टर क्या है माइनस आई कैप, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला तो ये है, बेसिक फॉर्मूला तो ये है, स्पेशल केस व्हेन एल इज मच मच ग्रेटर देन डी, तो ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी माइनस जी लैम्बडा बाय डी आई कैप, ये यहीं से निकल के आया है, ठीक है। एल प्लस डी नियरली क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, एल से एल कैंसल,
तो ये आ जाएगा माइनस जी लैम्बडा बाई डी आई कैप। तो इस फॉर्मूले को याद रखना होगा, अभी हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे ना इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड करेंगे, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मान लो ये एक यूनिफॉर्म रोड है, इसकी लंबाई कितनी L, ठीक है, और इस यूनिफॉर्म रोड की लीनियर मास डेंसिटी है लैम्बडा, ठीक है, और मान लो ये सेपरेशन है 3L, ठीक है। एक और यूनिफॉर्म रोड है जिसकी लंबाई कितनी है 3L बाय में 2, ठीक है, और इस यूनिफॉर्म रोड की जो लीनियर मास डेंसिटी है वो है लैम्बडा डैश, जो कि फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। और एक पॉइंट है यहां पे, ए पॉइंट है ये दूरी कितनी है L, तो ऑब्वियसली ये कितनी हो जाएगी 2L हो जाएगी। तो दो यूनिफॉर्म रोड है, एक यूनिफॉर्म रोड ये, दूसरी यूनिफॉर्म रोड ये, इस यूनिफॉर्म रोड की लंबाई L, लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा, इस यूनिफॉर्म रोड की लंबाई 3L बाई 2, लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा डैश, जो कि फाइंड आउट करनी होगी इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, ठीक है, और दोनों रोड्स के बीच की सेपरेशन ये है 3L, और एक A पॉइंट है जो कि रोड के इस एंड से कितनी दूर है L डिस्टेंस दूर, और ऐसा गिवन है इस A पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, ऐसा गिवन है। तो ऐसे में लैम्बडा डैश की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, ये फाइंड आउट करना है। तो अब सोल्व करते हैं, तो देखो इस रोड की वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे आएगी, और वो मान लो कितनी आएगी G1A, ठीक है। इस रोड की वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे आएगी और ये आएगी G2A, और इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो गिवन है, तो इसका मतलब G1A G2A के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस रोड ऐसे G1A वो कितनी आएगी यूजिंग फॉर्मूला जी लैम्बडा एल डिवाइडेड बाय डी एल एल प्लस डी एल प्लस डी मतलब एल प्लस एल टू एल, ठीक है। तो ये कितनी होगी एल से एल कैंसिल हो गया, ये आ गई जी लैम्बडा डिवाइडेड बाय टू एल, और इसी ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस रोड ऐसे G2A वो कितनी आएगी अगेन यूजिंग सेम फॉर्मूला G लैम्बडा डैश लेंथ 3L बाय 2 डिवाइडेड बाय D, D क्या हो जाएगा 2L इंटू में L प्लस D मतलब 3L बाय 2 प्लस 2L, ठीक है। तो देखो एक L से एक L खत्म, ठीक है, और ये दो दूनी 4L प्लस 3L ये आ गया 7L डिवाइडेड बाय 2, ये दो से दो खत्म, ठीक है। तो ये कितना आ गया G3G
लैम्डा डैश डिवाइडेड बाय 14L, इतना आ गया। और इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब G1A G2A के बराबर होना चाहिए। तो अभी अप्लाई कर दो, G1A इज इक्वल टू G2A, तो G लैम्डा डिवाइडेड बाय 2L इज इक्वल टू 3G लैम्डा डैश डिवाइडेड बाय 14L। तो देखो G बाय L से G बाय L खत्म हो गया, ठीक है। तो लैम्डा डैश कितना आ गया, 14 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 3, तो 2 × 14, तो लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई 7 लैम्डा बाय 3 इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, 7 लैम्डा बाय 3 आ गई लैम्डा डैश की वैल्यू। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो अब सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, क्या गिवन है, मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। और एक यूनिफॉर्म रोड ये है एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, एक यूनिफॉर्म रोड ये है, ठीक है, जिसकी टोटल लंबाई वो कितने गिवन है, 3L/2, ठीक है। और लीनियर मास डेंसिटी ये 2 लैम्डा गिवन है, ठीक है। और एक यूनिफॉर्म रोड यहां पे है कुछ ऐसे, ठीक है, ये एंगल कितना गिवन है, 53 डिग्री। और इस यूनिफॉर्म रोड की लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा गिवन है, और ये कितनी गिवन है, L, ठीक है। और ये L/2 गिवन है, ठीक है। तो मैं इसको आगे डॉटेड बढ़ा रहा हूं, ये जो यूनिफॉर्म रोड इतनी ही है, दूसरी यूनिफॉर्म रोड ये है, इसको मैं आगे डॉटेड बढ़ा रहा हूं। ये ए पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू कंबिनेशन ऑफ दीज टू यूनिफॉर्म रोड्स इन वेक्टर फॉर्म। इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू कंबिनेशन ऑफ दीज टू यूनिफॉर्म रोड्स, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इस रोड की बात करते हैं, इस रोड की लंबाई फाइंड आउट करो सबसे पहले, इस रोड की लंबाई। तो देखो ये L है, तो ये भी कितना हो गया, L हो गया, सीधी बात है। ये 53 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री, ठीक है। बेस L डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब इस रोड की लंबाई L1, ये कितना आएगा, कोस 37, और कोस 37 कितना होता है, 4/5, ठीक है। तो यहां से L1 कितना आ गया, 5L/4, इस रोड की लंबाई आ गई 5L/4, और इस रोड की लंबाई कितनी गिवन है, 3L/2,
ठीक है। तो अब देखो ये एंगल 53, तो ये एंगल भी 53 हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया 37 डिग्री, ठीक है। तो अब मुझे ये फाइंड आउट करना होगा, ये और ये, और देखो ये ए पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे मुझे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू यूनिफॉर्म रोड्स, ये ए पॉइंट दोनों रोड्स की एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो पीछे वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, और ये तो ओ हो गया ओरिजिन, और ये मान लो बी पॉइंट हो गया। तो अब देखो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना एल बाय टू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस कितना ए बी, ये कितना आएगा साइन 37, और ये कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो ए बी देखो कितना आ गया, ए बी यहां से देखो 3 AB कितना आ गया 5L/2, सही बात है। तो ए बी कितना हो जाएगा 5L/6, तो ए बी निकल गया 5L/6। अब ओ ए निकालो, तो देखो परपेंडिकुलर एल बाय टू बाय बेस ओ ए, परपेंडिकुलर बाय बेस ये क्या हो जाएगा 10/37, और ये कितना होता है 3/4, तो 3 OA ये कितना आ गया 4L/2, मतलब 2L आ गया, तो OA कितना आ गया 2L/3, ठीक है। ये कितनी आ गई 2L/3। और अब देखो इस ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ओ ए कितना आया है 2L/3, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -2L/3, 0, और इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0, L/2, ठीक है। तो यहां पे मैं ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना चाहता हूं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ए बी वेक्टर ये कितना हो जाएगा 2L/3 i cap + L/2 j cap, ठीक है। 0 - -2L/3, तो 2L/3 हो गया i cap में, और L/2 - 0 L/2 j cap, ठीक है। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए बी ये कितना आ जाएगा 5L/6, ठीक है। तो अब देखो ये जो रोड है ना, इस रोड की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करो ए पॉइंट पे, मतलब G1A फाइंड आउट करो, मतलब इस ए पॉइंट पे इस रोड की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड G1A आएगी मान लो, और इस रोड की वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड G2A आएगी। तो इस ए रोड पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू यूनिफॉर्म रोड्स GA वो क्या हो जाएगी G1A + G2A, ठीक है। तो इस रोड की वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर फॉर्म में वो मान लो G1A आएगी, और ये किसके बराबर होगी मैग्नीट्यूड, और इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर, सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। तो देखो ये ए पॉइंट इस रोड की एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसी फॉर्मूले का यूज कर दो, जी लैम्बडा इनटू में एल, ये कितनी आई 5L/4, ठीक है। जी लैम्बडा इनटू में लेंथ डिवाइडेड बाय डी, डी मतलब ए बी, और ए बी कितना आया 5L/6, ठीक है, इंटू में एल प्लस डी लेंथ प्लस डी, लेंथ कितना 5L/4, और ये डी ए बी 5L/6, तो ये कितना हो जाएगा 5L/4 + 5L/6, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब
इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर भी लिखना पड़ेगा मुझे, वो क्या होगा, ए बी वैक्टर डिवाइडेड बाई ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए बी वैक्टर ये कितना है, 2l बाय 3 आई कैप प्लस l बाय 2 जे कैप डिवाइडेड बाय ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब 5l बाय 6। ठीक है, तो जब आप इसको अच्छे से सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, जब आप इसको अच्छे से सोल्व करोगे ये आएगा 0.864 जी लैम्बडा डिवाइडेड बाय एल और इनटू में 2/3 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। जब आप इसको अच्छे से सोल्व करोगे ना तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म रोड ऐसे आएगी वेक्टर फॉर्म में जी टू ए। अब उसको फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो अब देखो ये ए पॉइंट इस यूनिफॉर्म रोड की एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, तो उसी फॉर्मूले का यूज होगा, जी लैम्बडा मतलब 2 लैम्बडा इंटू में लेंथ कितनी 3l/2 डिवाइडेड बाय डी मतलब एओ और एओ कितनी आई 2l/3 इंटू में लेंथ 3l/2 प्लस एओडी और ये कितनी 2l/3। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसे होगी मतलब आई कैप। तो जब आप इसको अच्छे से सोल्व करोगे तो ये कितनी आएगी, 27 जी लैम्बडा डिवाइडेड बाय 13l आई कैप इतनी आएगी। ठीक है, और मुझे ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है जी ए ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू यूनिफॉर्म रोड्स, और वो क्या हो जाएगी, जी वन ए प्लस जी टू ए। इन दोनों को सिंपली ऐड करना है वेक्टोरियली, तो जी ए नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू यूनिफॉर्म रोड्स वो क्या हो जाएगी, जी वन ए प्लस जी टू ए, सिंपली वेक्टोरियली ऐड करना इनको। तो ये क्या आएगा, जी लैम्बडा बाय में एल इंटू में 2.6529 आई कैप प्लस 0.432 जे कैप। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू यूनिफॉर्म रोड्स ये आ गई, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल रोड की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन इट्स एक्सिस, इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल रोड ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल रोड ऑन इट्स एक्सिस, इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है,
एक नॉन यूनिफॉर्म रोड रखी हुई है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रोड जिसकी लंबाई कितनी है, L, ठीक है, और एक यहां पे पॉइंट है A, एक्स एक्सिस पे ही या इस रोड की एक्सिस पे ही कितनी दूर है, D डिस्टेंस दूर, ठीक है, और यहां से एक्स डिस्टेंस दूर जो लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा गिवन है वो कितनी गिवन है, ए एक्स प्लस बी के जी पर मीटर, ठीक है, देख सकते हो जैसे एक्स बढ़ेगा लीनियर मास डेंसिटी बढ़ेगी, तो लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट तो है नहीं, इसीलिए तो ये नॉन यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस नॉन यूनिफॉर्म रोड, ठीक है, और ए और बी क्या हैं, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे ए, इसको सी का नाम दे दो चाहे, क्योंकि ए कैपिटल ए और कैपिटल बी तो यहां पे यूज हो गए, और कैपिटल ए कैपिटल बी ये क्या है, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, और ये मान लो एक्स एक्सिस पे सी पॉइंट है, क्योंकि इसको भी अगर मैं ए का नाम दे देता तो इस ए में और इस ए में कंफ्यूज हो जाते, तो मान लो एक्स एक्सिस पे ये सी पॉइंट है, तो इस सी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस नॉन यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल रोड, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से x डिस्टेंस दूर dx लंबाई का एक छोटा सा एलिमेंट मानूंगा, ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm, ये क्या आ जाएगा, ax प्लस बी इंटू में dx, क्योंकि यहां से x डिस्टेंस दूर लीनियर मास डेंसिटी वो कितनी है, ax प्लस बी के जी पर मीटर, तो इस छोटे से एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm, ये क्या आ जाएगा, ax प्लस बी इंटू में dx, ठीक है। और इस छोटे से एलिमेंट की वजह से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट c पॉइंट ऐसे आएगी, डी जी सी, ये कैसे लिखूंगा मैं, जी डी एम डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये पूरी कितनी है, एल प्लस डी और ये एक्स, तो ये क्या हो जाएगी, एल प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और डायरेक्शन ऐसे आएगी, तो मतलब माइनस आई कैप, तो देखो ये कितनी हो जाएगा, डीएम की ये वैल्यू ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स यहां पे पुट करनी है, तो ये कितनी आएगी, माइनस जी इंटू में ए एक्स प्लस बी डी एक्स आई कैप डिवाइडेड बाय एल प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो इस सी पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस नॉन यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल रोड ऑब्वियसली ऐसे आएगी, मतलब जीसी आएगी, जीसी वेक्टर फॉर्म में वो फाइंड आउट करना है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन डी जी सी ये किसके बराबर हो जाएगा, जीसी के बराबर, जो कि फाइंड आउट करना है, ये क्या हो जाएगा, माइनस जी इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी डी एक्स डिवाइडेड बाय एल प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर और यहां पे आई कैप, एक्स देखो कहां से कहां तक वेरी करेगा, जीरो से लेके एल तक, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को आप सोल्व कर सकते हो, थोड़ा सा लेंथी जरूर पड़ेगा लेकिन इजी है,
तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हो आफ्टर सोल्विंग दिस इंटीग्रेशन, जी सी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस जी इंटू में बी एल डिवाइडेड बाय डी एल प्लस डी माइनस ए इंटू में लॉग एल प्लस डी डिवाइडेड बाय डी माइनस एल बाय डी आई कैप, इतनी आएगी। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना बस, ठीक है। तो इस सी पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जी सी ऐसे वेक्टर फॉर्म में ये आएगी, माइनस आई कैप डायरेक्शन शो कर रहा है यूनिट वेक्टर, और ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड होनी भी चाहिए, ठीक है। तो मान लो इसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन हो, जैसे कैपिटल ए की वैल्यू 1 गिवन हो, कैपिटल बी की वैल्यू 2 गिवन हो, और इस नॉन यूनिफॉर्म रोड की लंबाई एल ये 100 मीटर गिवन हो, ठीक है, और ये डी ये मान लो 50 मीटर गिवन हो। तो इस सी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी हो वेक्टर फॉर्म में, ऐसे एक्स एक्सिस ऐसे वाई एक्सिस, ये नॉन यूनिफॉर्म रोड एक्स एक्सिस पे रखी हुई है, ठीक है। तो इस सी पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है, ऑब्वियसली ऐसे ही आएगी, मतलब माइनस आई कैप में आएगा, बस यहां पे वैल्यूज पुट कर दो, माइनस जी इंटू में, देखो यहां पे वैल्यूज पुट करनी है, बी की 2, एल की 100, डी की 50, ए की 1, ठीक है, ये केवल वैल्यूज पुट करनी है। तो आई कैप तो यहां पे आ ही जाएगा, तो ये अंदर वाली ये चीज क्या आएगी आफ्टर पुटिंग वैल्यूज, ये आएगी 0.928, ठीक है। तो ये कितना आ गया, माइनस 0.928 जी आई कैप, ये मेरा आंसर हो गया। ध्यान रहे यहां पे जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।